हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका स्टैटिस्टिक्स के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्पर्जन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी सीखा है, जिसमें मीन, मीडियन और मोड निकालना हमने डिटेल में सीखा था। अब बारी है डिस्पर्जन की, तो उसकी डेफिनेशन से लेकर के उसके सारे मेजरमेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन। देखिए, डिस्पर्जन मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द आइटम्स वेरी फ्रॉम सम सेंट्रल वैल्यू। डिस्पर्जन क्या होता है कि जो हमारी सीरीज है उसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ऑब्जर्वेशंस सेंट्रल वैल्यू से कितना वेरी कर रहे हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन सेंट्रल वैल्यू से कितना वेरी कर रहा है, उसका मेजरमेंट डिस्पर्जन होता है। सेंट्रल वैल्यू मतलब क्या है? सेंट्रल वैल्यू वो है जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी में सीखा है। सेंट्रल वैल्यू मतलब मीन ले लो, मीडियन ले लो, मोड ले लो, ये सभी सेंट्रल वैल्यूज होती हैं। हमने मीन सीखा है, मीडियन सीखा है, मोड सीखा है, ये सभी वैल्यूज सेंट्रल वैल्यूज होती हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि डिस्पर्जन में मेजरमेंट क्या करना होता है। देखिए, मान लो हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, 2, 4 और 9। ये तीन वैल्यूज हैं हमारी सीरीज में, तीन ऑब्जर्वेशंस हैं, तीन आइटम्स हैं जिनका हम मीन निकाल रहे हैं। तो इनका अर्थमेटिक मीन अगर आप निकालोगे, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? अर्थमेटिक मीन हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा था सिग्मा एक्स अपॉन एन से। सिग्मा एक्स मतलब सबका टोटल कर दो और एन से डिवाइड लगा दो, तो ये आएगा 2 + 4 + 9 / 3, 15/3 विच इज इक्वल टू 5। हमारी सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल टेंडेंसी 5 आई इन तीन वैल्यूज की। मतलब सेंट्रल वैल्यू क्या होता है, हम लोगों ने उधर डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले सेंट्रल वैल्यूज या सेंट्रल टेंडेंसी के सारे वीडियोस देखें, उसके बाद डिस्पर्जन देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो वहां हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल वैल्यू क्या होती है। सेंट्रल वैल्यू होती है जो सभी ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर पाए, एक सिंगल वैल्यू जो सभी ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर पाए, वो सेंट्रल वैल्यू होती है। अब डिस्पर्जन में क्या मेजरमेंट करते हैं हम लोग? सेंट्रल वैल्यू इन ऑब्जर्वेशंस से कितना वेरी कर रही है। देखो, 5 और 2 में 3 का वेरिएशन है, 5 और 4 में 1 का वेरिएशन है, 5 और 9 में 4 का वेरिएशन है। तो सेंट्रल वैल्यू हमारे ऑब्जर्वेशंस से या आइटम्स से कितना वेरी कर रही है, कितना डिफरेंस पे है, इस बात का मेजरमेंट डिस्पर्जन में होता है। अगर हम केवल सिंगल आइटम या सिंगल ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस देखें इससे, तो वो तो डेविएशन बोल देते हैं हम उसको, कि वो 2 जो है मीन वैल्यू से 3 के डेविएशन पे है। अब हम हर एक ऑब्जर्वेशन का डेविएशन चेक करें और ओवरऑल बताएं कि ओवरऑल हमारी जो सीरीज है वो मीन वैल्यू से कितना डिफरेंस पे है, तो उसका मेजरमेंट डिस्पर्जन में किया जाता है, उसको डिस्पर्जन बोलते हैं। तो डिस्पर्जन सेंट्रल वैल्यू से सिर्फ डिफरेंस बता रहा है। तो डिस्पर्जन इज ऑल्सो नोन एज स्कैटर, कि भाई कितना फैला हुआ है, स्प्रेड और वेरिएशन, कितना वेरी कर रहा है, ये डिस्पर्जन है। तो डिस्पर्जन जरूरी क्यों है ये एक बार हम समझे पहले, तो क्योंकि हमने सेंट्रल वैल्यू निकालना सीख लिया है, तो एक सीरीज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक वैल्यू निकालना सीख लिया है, तो अब डिस्पर्जन की जरूरत क्या है, हम डिफरेंस क्यों जानना चाहते हैं इसका, वो हम एक छोटे से एग्जांपल से लेते हैं। मैं यहां पर तीन सीरीज बना रहा हूं और उन तीन सीरीज को एनालाइज करके हम समझेंगे कि डिस्पर्जन की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहली सीरीज, सीरीज ए ले रहा हूं मैं, एक सीरीज बी ले रहा हूं और एक सीरीज सी ले रहा हूं। सीरीज ए में हमारे पास मान लो 5 ऑब्जर्वेशन हैं, 100 100 100 100, जैसे यहां पर एक सीरीज है, सीरीज मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको मिला करके एक सीरीज बोलते हैं हम लोग। तो इस सीरीज में 3 ऑब्जर्वेशन है, इधर कोई नया क्वेश्चन है एक तरीके से, इसमें 5 ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट सीरीज बी में भी मैं 5 ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं, लेकिन उनकी वैल्यूज अलग ले रहा हूं, वो मैं वैल्यूज ले रहा हूं जैसे 98 99 100 101 और 102 ले लेता हूं मैं, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे समझाने के लिए केवल इस तरह की वैल्यूज ले रहा हूं। सीरीज सी में भी मैं 5 वैल्यूज ही ले रहा हूं, लेकिन वैल्यूज में कुछ और ले रहा हूं, 1 2
3, 4 और 490 एक साथ। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन तीनों की सेंटर वैल्यू निकालना चाहता हूं, और सेंटर वैल्यू में सबसे कॉमन सेंटर वैल्यू मीन ही होती है, तो मैं इन तीनों का मीन निकालना चाहता हूं। मीन निकालने के लिए हमें सबका टोटल करना होता है और एन से डिवाइड लगाना होता है। एन की वैल्यू तीनों सीरीज में 5 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है एन, वो 5 है। तो मैं पहले टोटल निकालूंगा, क्योंकि मीन निकालने के लिए एक तो टोटल की जरूरत होगी। टोटल इसका कितना आ रहा है, टोटल इसका आएगा आप देखो 500, साफ साफ दिख रहा है हमें। इसका टोटल अगर आप निकालते हो तो इसका टोटल भी 500 ही आएगा, आप कैलकुलेट कर लो। और इसका टोटल आप निकालोगे 1 + 2 + 3 + 4 10 होता है, 10 और 490 अगेन 500, तीनों का टोटल सेम आ रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तीनों में सेम है। तो अगर आप मीन निकालते हो तीनों में ही, तो तीनों में ही 500 डिवाइडेड बाई 5 किया जाएगा और रिजल्ट आएगा तीनों में 100। इसकी भी सेंटर वैल्यू 100 आई, इसकी भी 100 आई, और इसकी भी मीन की वैल्यू या सेंटर वैल्यू 100 आई। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो आप, अगर हमें सिर्फ किसी सीरीज की सेंटर वैल्यू पता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी मान लो पता है अपने को, तो भी हम सीरीज का अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो सीरीज कितनी फैली हुई है सेंटर वैल्यू से। आप देखो यहां पर, इसमें देखें तो सेंटर वैल्यू से बिल्कुल भी फैली हुई नहीं है ये सीरीज। इस सीरीज की बात करें तो सेंटर वैल्यू से बहुत थोड़ी सी डिफरेंस पे है ऑब्जर्वेशंस, मतलब बहुत कम इसमें डिस्पर्जन है। अगर इसकी बात करें, मैं यहां पर डिस्पर्जन भी लिख देता हूं, अगर डिस्पर्जन की बात करें तो यहां पर डिस्पर्जन है ही नहीं, जीरो है, बिल्कुल डिस्पर्ज नहीं हो रही सीरीज, बिल्कुल वेरी नहीं कर रहा है। यहां बहुत कम डिस्पर्जन है क्योंकि लगभग वैल्यूज 100 के आसपास ही हैं। अगर उधर बात करें तो 100 से कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट ही नहीं हो रही है और सारी वैल्यूज 100 से बहुत ज्यादा दूरी पर है, मतलब बहुत ज्यादा फैली हुई है सेंटर वैल्यू से सीरीज। तो सेंटर वैल्यू से जो सीरीज फैली होती है उसमें डिस्पर्जन बहुत हाई रहेगा, इसमें बहुत हाई डिस्पर्जन है। तो अगर हमें यह पता हो कि सेंटर वैल्यू इतनी है और फिर हमें पता हो कि डिस्पर्जन इसमें इतना अमाउंट में है, तो हम फिर सीरीज में क्या क्या वैल्यूज रही होंगी उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। और बेहतर सेंट्रल वैल्यू उसे माना जाता है, अच्छी सेंट्रल वैल्यू उसे माना जाएगा जिसका डिस्पर्जन मिनिमम हो, कम से कम डिस्पर्जन होता है तो अच्छी से अच्छी सेंट्रल वैल्यू है, वो स्टेबल सीरीज है, वो ऑब्जर्वेशन स्टेबल है वो। तो अब ये हमने जाना कि भाई डिस्पर्जन की जरूरत तो है, क्योंकि डिस्पर्जन से ये समझ में आता है कि सेंटर वैल्यू हम जो निकाली है वो सही सेंटर वैल्यू है कि नहीं है, और सीरीज कितनी फैली हुई है उस सेंटर वैल्यू से, स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अब ये तो डिस्पर्जन का यूज हो गया कि भाई हाँ डिस्पर्जन कुछ काम आ रहा है अपने। अब डिस्पर्जन निकालना कैसे है, तो मैं ये सारा हटा रहा हूं और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम्स के हिसाब से, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए अब हम बात करते हैं डिस्पर्जन के मेजरमेंट्स की। तो दो तरह से डिस्पर्जन के मेजरमेंट्स निकाले जाते हैं, एक तो एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स हैं कुछ हमारे पास में, और कुछ हैं हमारे पास रिलेटिव मेजरमेंट्स। जो हमारे एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स हैं उन्हीं के रिलेटिव मेजरमेंट्स बनाए हुए हैं, सिर्फ कोफिशियंट लगाया हुआ है आप देखें तो, रेंज, कोफिशियंट ऑफ रेंज, ये सभी। तो 5 हमारे पास एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस। इसी के करस्पॉन्डिंग रिलेटिव मेजरमेंट्स बनाए हुए हैं, कोफिशियंट ऑफ रेंज, रेंज का, क्वार्टाइल डेविएशन का, कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन। ये 5, ये भी 5 हैं। इनमें से भी अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट रिजल्ट्स देता है, सबसे अच्छा ये है यहाँ पर। और इन 5ों की बात करें तो कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन बेस्ट है इन सब में, दोनों ही कार्ल पियर्सन ने दिए थे, दोनों ही मेजरमेंट्स बेस्ट हैं अपने आप में। अब बात करें कि एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स क्या होते हैं और रिलेटिव मेजरमेंट्स क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या है। एब्सोल्यूट मेजरमेंट नॉर्मल डिस्पर्जन कैलकुलेट करते हैं किसी भी सीरीज में, और जो रिजल्ट आता है वो सेम यूनिट का आता है जिस यूनिट में हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग 4 अलग अलग फैक्ट्रीज का
प्रोडक्शन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो पहली फैक्ट्री में मान लो 2000 लीटर प्रोडक्शन होता है मिल्क का, दूसरी में 3000 लीटर प्रोडक्शन होता है, तीसरी में 5000 लीटर, चौथे में 8000 लीटर, तो इन चारों का यूनिट जो है लीटर में चल रहा है। इन सभी ऑब्जर्वेशंस का अगर हम डिस्पर्जन कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट मेजरमेंट से, इन सभी की वैल्यूज में रिजल्ट में जो डिस्पर्जन आएगा, कहने का मतलब, वो भी लीटर में ही आएगा। लेकिन इधर जो है रिलेटिव मेजरमेंट में ये यूनिट फ्री होता है, मतलब ये चारों वैल्यूज लीटर में है लेकिन इनका जो मेजरमेंट निकलेगा ये फाइनल, ये सभी यूनिट फ्री होंगे, इसमें यूनिट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लीटर वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, लीटर किलोग्राम क्विंटल कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, यूज कहां आता है, यूज आते हैं ये कंपेयर करने के लिए। कंपेयर किस तरह से करोगे आप, दो अलग अलग सीरीज हैं, दो सीरीज को आपस में कंपेयर करना है तो भी हम डिस्पर्जन को यूज लेते हैं, कि दो सीरीज में जिस सीरीज का डिस्पर्जन ज्यादा वो कम स्टेबल है, जिस सीरीज का डिस्पर्जन कम वो ज्यादा स्टेबल है। अब होता क्या है कि जो हम कैलकुलेट करते हैं दो अलग अलग सीरीज का कंपैरिजन, तो दो अलग अलग सीरीज अगर सेम यूनिट की है, ये भी लीटर में चल रही है, ये भी लीटर में चल रही है, सेम बात चल रही है दोनों में, तो उस सिचुएशन में एब्सोल्यूट मेजरमेंट काम आते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, और कभी कभी क्या बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा होता है कि हम दो अलग अलग सीरीज को कैलकुलेट करते हैं लेकिन उनका यूनिट सेम नहीं होता है, किसी का किलोग्राम है किसी का क्विंटल में चल रहा है। और दूसरी बात, जो हमारी एवरेज साइज है सेंट्रल वैल्यू की, फर्स्ट वाले की सेंट्रल वैल्यू कुछ और आ रही है, दूसरे वाले की सेंट्रल वैल्यू दूसरी सीरीज की कुछ और आ रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पहले वाली सीरीज की सेंट्रल वैल्यू 100 आ रही है और दूसरी सीरीज की सेंट्रल वैल्यू 900 आ रही है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है सेंट्रल वैल्यू में अगर, तो ऐसी दो सीरीज को कंपेयर करना हो तो फिर रिलेटिव मेजरमेंट काम आता है। तो रिलेटिव मेजरमेंट का मेन यूज केवल कंपेरिजन है, और ज्यादातर केसेस में रिलेटिव मेजरमेंट से ही हम लोग कंपेयर करते हैं सीरीज को, कि कौन सी दो सीरीज हैं उनका एनालाइजेशन करेंगे हम लोग, कि कौन सी स्टेबल है कौन सी अनस्टेबल है, कौन सी कंसिस्टेंट है कौन सी इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, वो रिलेटिव मेजरमेंट से करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेंज, हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि रेंज पढ़ेंगे फिर कोफिशियंट ऑफ रेंज पढ़ेंगे उसके साथ में, तो ये साथ में ही चलेंगे कहने का मतलब। ठीक है, तो इन्हीं के कोफिशियंट बनाए हुए हैं केवल, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग रेंज स्टार्ट करने जो सबसे ज्यादा आसान है, उसके बाद फिर आगे के स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेंज। तो रेंज हम समझें कि रेंज क्या होता है और कोफिशियंट ऑफ रेंज, इनके फॉर्मुलेज क्या हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रेंज होता है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। हम लोग बोलते हैं ना कि भाई किस रेंज में है, तो रेंज का मतलब क्या है कि मिनिमम कितना जा सकता है और मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो मैक्सिमम से मिनिमम का जो डिफरेंस है वही रेंज होता है। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन एल का मतलब है और एस का मतलब है स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, उन दोनों का डिफरेंस रेंज हो जाएगा। नेक्स्ट कोफिशियंट ऑफ रेंज की बात करें तो सिंपल सा फॉर्मूला है एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस इंटू 100। ये 100 हम परसेंटेज में कैलकुलेट करने के हिसाब से लगाते हैं, और हर जगह मतलब जिस जिसके भी कोफिशियंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे उन सभी में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये दो फॉर्मुलेज हम लोगों को क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं और आंसर निकालने हैं, सिंपल सी बात है। अब बात यह है कि हमने टोटल तीन तरह की सीरीज सीखी है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, इन तीनों सीरीज में ही हमने मीन मीडियन और मोड निकालना सीखा था, तीनों में अलग अलग, वैसे ही तीनों में अलग अलग हम लोग डिस्पर्जन के मेजरमेंट्स निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम रेंज स्टार्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज में निकालने के लिए। ठीक है, तो रेंज का कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, इंडिविजुअल का हो डिस्क्रीट का हो कंटिन्यूअस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला फिक्स है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसमें लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है। आप ध्यान से देखें अगर, तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन यहां पर आ रहा है 35, ये हमारे एल की वैल्यू हो गई, और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन यहां पर आ रहा है 7, तो ये हमारे एस की वैल्यू हो गई। अब यहां पर आप कैलकुलेट कर लो रेंज, तो रेंज आ जाएगी एल माइनस एस के हिसाब से 35 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 28, ये हमारी रेंज आ गई। अब बात करें अगर कोफिशियंट ऑफ रेंज की, तो कोफिशियंट ऑफ रेंज आएगी यहां पर, दोनों ही कैलकुलेट करना है हमें एग्जाम में, हो सकता है कोई एक चीज पूछे, हो सकता है दोनों चीजें पूछे, हमें दोनों आना चाहिए कैलकुलेट करना।
तो ये आएगा एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस इन टू 100 विच इज इक्वल टू 35 माइनस 7 अपॉन 35 प्लस 7 इन टू 100 विच इज इक्वल टू ऊपर तो बन गया 28 नीचे बन गया 42 इन टू 100 अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आता है 66.67%। ये हमारा कोफिशियंट ऑफ रेंज हो गया। तो दोनों चीजें हमने निकाल ली। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहां पर ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, नेक्स्ट वाले में 7 लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ देखना है लार्जेस्ट वैल्यू जो कि यहां पर दिख रही है 92 और देखना है स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि यहां पर दिख रही है 20। तो ये हो गया L, ये हो गया S, बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी वैल्यूज कुछ भी हो कितनी भी हो कोई मतलब नहीं है। आपका रेंज यहां पर आ जाएगा L माइनस S के अकॉर्डिंग 92 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 72। ये हमारी रेंज हो गई। और कोफिशियंट ऑफ रेंज आएगा L माइनस एस अपॉन एल प्लस एस इन टू 100। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा अपना 92 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 92 प्लस 20 इन टू 100। और ये अगर कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर मैं इस तरफ कर देता हूं इसको कैलकुलेट, जगह नहीं होगा, 72 डिवाइडेड बाय 112 इन टू 100 विच इज इक्वल टू 64.28%। ये हमारा कोफिशियंट ऑफ रेंज आ गया। तो कोई भी इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन हो आप सिंपल रेंज और कोफिशियंट ऑफ रेंज निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मेजर ऑफ डिस्पर्जन देखे क्या क्या होते हैं, उसमें से रेंज हमने कैलकुलेट करना सीखा है इंडिविजुअल सीरीज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेंज कैलकुलेट करना सीखेंगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। उसके अलावा रेंज की क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्स में आजकल मेरिट्स और डीमेरिट्स भी पूछी जाती हैं, इसलिए वो टॉपिक कवर करना भी काफी जरूरी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।